गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और बेसिक की सीरीज चल रही है, उसमें हमारा ये थर्ड वीडियो है। वैसे भी आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मोड मास और डेसिमल की बेसिक्स के बारे में जान गए हो, और अभी हम बात करेंगे डेसिमल के एडिशन के बारे में। डेसिमल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के अंदर, और छोटे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं इसके अंदर। छोटे बच्चे पॉइंट वाले नंबर्स को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको ऐड कैसे करना होता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे ही एडिशन करना है, मगर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन एडिशन में पॉइंट को भी शामिल करना है, पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। बट एक बात आपको थोड़ी सी नोटिस करनी है इसके अंदर कि पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही रखना है एडिशन या सब्स्ट्रैक्शन करते वक्त, और फिर आपको नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे ही एडिशन करना है, तो आप सक्सेसफुली अपना जो सम है वो विद करेक्ट आंसर के साथ आप कर पाओगे। तो देख लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 43.2 प्लस 96.23। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करते वक्त पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे और नॉर्मल एडिशन करेंगे। कैसे, आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है उनको बड़े बड़े फॉन्ट में स्पेस डालकर लिख रहा हूँ। 43.2। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और ये वाला पॉइंट है वो बिल्कुल इसके नीचे लिख देना है। अब देखो, इस पॉइंट के आगे दो नंबर थे और इस पॉइंट के बाद में दो नंबर थे। हमने पिछले वीडियो में देखा था लाइक और अनलाइक डेसिमल का कंसेप्ट। यहां पे पॉइंट के बाद में एक नंबर आ रहा है और यहां पे पॉइंट के बाद में दो नंबर आ रहे हैं, मतलब ये अनलाइक है, अभी इनका हम एडिशन नहीं कर सकते। तो हम इसको लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस पॉइंट के बाद में एक नंबर आ रहा है और इस पॉइंट के बाद में दो नंबर आ रहे हैं, तो हम इसको लाइक बना देंगे। जीरो रखने से ये क्या बन जाएगा, लाइक बन जाएगा। और वैसे भी पॉइंट के बाद जीरो रखने से डेसिमल की वैल्यू में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। तो फिर हम जैसे नॉर्मली एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करना है आपको। 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट या पर पॉइंट इधर आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा स्पीडअप करता हूं क्योंकि हमारे काफी सारे वीडियो 2GB के अराउंड जा रहे हैं और ये आपका और मेरा दोनों का इंटरनेट का ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा स्पीड अप जाऊंगा। बट जहां पे मुझे स्पीड कम करनी होगी मैं स्पीड कम करूंगा और आपको उसका बेस भी समझाऊंगा। 23.12 और नीचे भी 23.12। ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2 पॉइंट, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4। नेक्स्ट देख रहे हैं हम यहां पे 3.20, ये वाला पॉइंट मैं नीचे रख रहा हूं। यहां पे पॉइंट के बाद में दो नंबर है, यहां पे पॉइंट के बाद में पॉइंट के पहले भी दो नंबर है। पॉइंट के पहले 3 है तो पॉइंट के पहले 3 आ गया, 3 के पहले 4 है तो ये 4 आ गया। वापस ये पॉइंट के पहले एक नंबर है और पॉइंट के पहले दो नंबर हैं, तो हम इसको पहले लाइक बनाएंगे। मैं यहाँ पे जीरो ऐड कर दे रहा हूँ। जीरो ऐड करने से उसकी कोई वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब नॉर्मल इसको हम ऐड करेंगे, 9.464, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 923.9, ये वाला पॉइंट इसके नीचे जाएगा, पॉइंट के बाद में 9 था और पॉइंट के पहले 0। वापस से अनलाइक है,
इसको लाइक करेंगे। पॉइंट के पहले 1, 2, 3 नंबर थे और पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, तो हम 2 0 ऐड कर देंगे। 9 + 9 = 18, कैरी 1, 3 + 1 = 4, पॉइंट 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 2 9। अब यहां पे कुछ ट्विस्ट दिया हुआ है, 89.237। अब यहां पे सिर्फ ओनली 2 दिया हुआ है, आपको इस 2 के अंदर कोई पॉइंट नहीं देखना है। तो आपको याद रखना है, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 32, तो समझ लेना है कि 32 के पीछे पॉइंट है। आप जब कैलकुलेटर के अंदर 32 लिखोगे तो आपको 32 के पीछे एक पॉइंट दिखाई देगा। यानी अगर आपके पास एक सिंपल नंबर है तो समझ लेना है कि पॉइंट उस नंबर के पीछे होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैंने पॉइंट के पीछे 3 0 क्यों ऐड किए, क्योंकि यहां पे पॉइंट के पीछे 3 0 थे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3। यहां पे पॉइंट के पहले 2 नंबर हैं, पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, मैं 0 ऐड कर देता हूं, पॉइंट 9। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा, यहां पे 6.4 दिया हुआ है, 6.4। ये काफी बड़ी डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 नंबर है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो मैं 3 0 ऐड कर देता हूं ताकि पॉइंट के पीछे दोनों नंबर सेम हो। पॉइंट के पीछे पॉइंट आ जाएगा, 0 0 0 2, पॉइंट के पहले 0 था, 2 0 0 4.6। यहाँ पे सब में आपको एडिशन लगाना है, सिंपल एडिशन करते हैं वैसे आपको एडिशन करना है, मगर एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और पॉइंट नहीं है तो पॉइंट उसके पीछे है, ये आपको ध्यान रखना है। और पॉइंट के बाद आप चाहे कितने भी जीरो लगाओ, उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो, और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले वीडियो के अंदर डेसिमल के सब्सट्रैक्शन सीखेंगे और उसके थोड़े बेसिक्स भी आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ अस और टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।